द्रौपदी मुर्मू एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिन्हें भाजपा द्वारा 2022 के भारतीय राष्ट्रीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के लिए जाना जा रहा है। चलिए जान लेते हैं कि एक साधारण सामान्य जीवन से राष्ट्रपति पद की प्रबल उम्मीदवार बनने तक का उनके जीवन का यह सफर कैसा रहा। जब श्रीमती मुर्मू छोटी थी तब उनके पिता और दादा ग्राम प्रधान थे। उन्होंने 1979 से 83 तक ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। बच्चों की देखभाल के लिए 1983 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1997 में राजनीति ज्वाइन करने से पहले श्रीमती द्रौपदी मुर्मू श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर राजगंगपुर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी। 2003 में उन्होंने अपने गांव बल्दापोसी में एक पुल बनवाया ताकि उनके गांव के लोग आसानी से आ जा सकें। 2009 में एक दुर्घटना में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बेटे को खो दिया जिसके बाद वह डिप्रेशन से पीड़ित हो गई थी। 2013 में उन्होंने अपना दूसरा बेटा खो दिया और 2014 में उनके पति की मृत्यु हो गई। श्रीमती मुर्मू झारखंड की 9वीं गवर्नर थी और उन्होंने 2015 से 2021 तक राज्यपाल पद पर कार्यरत रही। 2016 में प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता ने श्रीमती मुर्मू से मुलाकात की और अपनी बेटी की मौत की सीबीआई जांच करने का अनुरोध किया। 2016 में मुर्मू जी ने घोषणा की कि वह मृत्यु के बाद अपनी आंखें रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को दान कर देंगी। 2018 में रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्म कुमारी निर्मला ने द्रौपदी मुर्मू जी को राखी बांधी थी। एक इंटरव्यू में मुर्मू जी ने बताया कि उन्होंने अपने बेटों और पति की मृत्यु के बाद डिप्रेशन से लड़ने के लिए ब्रह्म कुमारी निर्मला के प्रवचन सुनना आरंभ किया था। 2021 में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की थी। 2022 के इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वह भारत की राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली पहली आदिवासी बनी। 2022 के भारतीय राष्ट्रीय चुनावों के लिए उनके नाम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर पर लिखा, 66 लाख लोग जिन्हें विशेष रूप से जिन्होंने गरीबी का अनुभव किया है और कठिनाइयों का सामना किया है उनको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से बहुत ताकत मिली है। मुर्मू जी को नीतिगत मामलों की उनकी समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत लाभ होगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने 2022 के भारतीय राष्ट्रीय चुनावों के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुने जाने की बात पर कहा, मैं हैरान भी हूँ और खुश भी हूँ। आदिवासी महिला होने के नाते मैंने भारत के सर्वोच्च पद की उम्मीदवार बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। श्रीमती मुर्मू 2017 के भारतीय राष्ट्रीय चुनावों के लिए भी झारखंड से एक उम्मीदवार के रूप में चुनी गई थी, लेकिन तब उन्होंने चुनाव नहीं जीता था। 2022 में राष्ट्रीय चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें सशस्त्र CRPF कर्मियों के द्वारा जेड श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। उन्हें राय रंगपुर के शिव मंदिर में फर्श पर झाड़ू लगाते हुए भी देखा गया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह आदिवासी अधिकारों के बारे में सदा ही मुखर रही हैं। एक इंटरव्यू में उनकी पार्टी के मेंबर्स ने उनके बारे में बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी एकदम सही है क्योंकि उन्होंने हमेशा ही गरीब लोगों के मुद्दों को उठाया है। अपने शासन के दौरान जब भी आदिवासियों या महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती है तो वह अक्सर DGP या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाती थी। उपबेड़ा गांव में द्रौपदी मुर्मू जी के पैतृक घर में उनके द्वारा जीते गए अनेक पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स हैं। श्रीमती मुर्मू जी ने अपने ससुराल के घर को एक ट्रस्ट के रूप में बदल दिया और इसे एक स्कूल को दान कर दिया। ट्रस्ट का नाम उन्होंने अपने पति और बेटों के नाम पर SLS रखा है। ट्रस्ट ने 4 एकड़ से अधिक के क्षेत्र को कवर किया है। श्रीमती मुर्मू जी ने इस स्कूल में अपने पति और बेटों के लिए एक स्मारक भी बनवाया है।